नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिता खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन से लौटे उत्तराखंडियों को निशुल्क घर पहुंचाएगी सरकार। उत्तराखंड के 40 छात्र अपने घर सुरक्षित वापस लौटे, कई परिजनों को अभी भी सता रही चिंता। चुनावी नतीजे आने से पहले सरकार बनाने के सियासी गणित में जुटे भाजपा और कांग्रेस। भाजपा की सक्रियता देख कांग्रेस भी अलर्ट, निर्दलियों की भी टटोली जा रही नब्ज। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई इलाकों में सुबह से छाए बादल, कई जगहों पर बारिश के भी आसार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले उत्तराखंड के छात्र छात्राओं की। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को लाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक उत्तराखंड के कई बच्चे अपने घर वापस आ चुके हैं, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ वहाँ के हालातों को भी साझा किया। स्थानीय आयुक्त कार्यालय की टीम ने एयरपोर्ट पर यूक्रेन से सकुशल लौटे छात्रों का स्वागत भी किया। अब तक 40 छात्र लौट चुके हैं, जबकि सरकार को 282 छात्रों व अन्य लोगों की सूचना प्राप्त हो चुकी है। जो छात्र अभी तक नहीं लौटे, उनके परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही यूक्रेन से लौट रहे उत्तराखंड के नागरिकों को प्रदेश सरकार निशुल्क घर पहुंचाएगी। गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून समेत कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। हालांकि 4 तारीख से मौसम साफ रहने की उम्मीद भी है। तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। मेरी सहयोगी सभिया आपको मौसम से अपडेट कराएंगी। उत्तराखंड में पिछले 2-4 दिनों से खिल रही चटक धूप से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 1-2 दिन के लिए मौसम बदल चुका है। राजधानी देहरादून की बात करें तो सुबह से ही हालांकि चटक धूप खिली थी, लेकिन धीरे धीरे बादलों का जमावड़ा लग गया और देहरादून में धुंध जो है वो दिखाई दे रही है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह देहरादून में मौसम बदल चुका है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि ये जो मौसम में बदलाव आया है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ही आया है। और इसके मद्देनज़र उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िलों की मैं बात करूँ तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर हल्की बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी जो है वो हो सकती है। वहीं राजधानी देहरादून की हम बात करें तो यहाँ पर भी हल्की बारिश जो है मौसम विभाग ने जताई है और मौसम में एक बार फिर से जो ठंडक है वो दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि जो गर्माहट का एहसास हो रहा था और जो 4 डिग्री का लगभग मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो मौसम में सामान्य तापमान में 4 डिग्री का उछाल आया था, वो एकदम से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो अगले 1-2 दिन जो मौसम में बदलाव होगा उससे जो लौटी ठंड कह रहे थे कि लौट गई है, लेकिन उससे ठंड जो है वापस लौटती हुई दिखाई देगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं सभिया, देहरादून। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान अब हालात काफी खराब और भयावह होते नजर आ रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड सुरक्षित लौट रहे छात्रों ने हमारे साथ जो आप बीते सुनाई, यकीनन वो हैरान और परेशान करने वाली है। यूक्रेन से आई सीधी तस्वीरों को हम आपको पहले ही दिखाते और सुनाते आए हैं। आज इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे, ये स्पेशल रिपोर्ट है जिसमें 10 दहशत की कहानियां हम आपके सामने रूबरू कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी। यूक्रेन से आ रही तस्वीरें डराने वाली, हर जगह सिर्फ तबाही का मंजर। दहशतगर्द माहौल में अभी भी छात्र फंसे। गोलियां, गोलाबारी के बीच चीख पुकार, लाशों के लगे ढेर, चारों तरफ आग के शोले। चारों तरफ तबाही का मंजर, जहां नजर दौड़ाओगे तो सिर्फ बर्बादी, लाशों के ढेर और सिर्फ आग के शोलों के साथ गोलियों की तड़तड़ाहट और गोलाबारी के बीच लोगों की चीख पुकार की आवाजें। ये भयावह और दहशतगर्द से भरी तस्वीरें रूस और यूक्रेन के बीच एक हफ्ते से जारी युद्ध की हैं, जो सीधे हमें वहां से एक्सक्लूसिव अभी भी हजारों की तादाद में फंसे छात्र भेज रहे हैं। इन दहशत से भरे दृश्यों को देखने के बाद अपनों की सलामती की दुआएं मांग रहे परिजनों की सांसें थमी हुई हैं। हालांकि यूक्रेन से छात्रों की वापसी हो रही है, बावजूद इसके अभी भी कई छात्र वहां फंसे हैं।
और उन्हें ना तो खाने को मिल रहा है और ना ही कोई सुरक्षा। जैसे तैसे कर जिंदगी का हर पल वो दहशत के बीच गुजार रहे हैं। हमने जब यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौटे छात्रों से संपर्क कर बातचीत की तो उन्होंने जब यूक्रेन में खुद और लोगों पर आप बीती की दास्तां सुनाई तो यकीनन रोंगटे खड़े करने वाली रही। इलाके में थे, कीव में थे जी, वो सब फंसे हुए अभी भी बंकर में है। तो मुझे तो इंडियन गवर्नमेंट से ये कहने कि हम सब तो निकल आए, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अभी भी फंसे हैं। और जहाँ पे जैसे रशियन ने जहाँ पे कब्जा कर लिया वहाँ पे बच्चे चार चार पांच पांच दिन से वेट कर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोग को प्रायोरिटी दी जाए, निकाला जाए और इंडियन से कोई रिप्रेजेंटेटिव हो वहाँ पे बॉर्डर पे, ताकि सेफली निकाला जा सके। तो सुना आपने, ये दर्द और खौफनाक दास्ता में दहशत के मंजर यहीं खत्म नहीं होते। यूक्रेन से वापस लौटे छात्र मनीष कुमार थापा ने हमें लाइव बातचीत के दौरान कई और हालात बताए जिससे वहां फंसे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हमारी टीम लगातार यूक्रेन से वापस लौट रहे छात्रों से संपर्क साध रही है। हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने यूक्रेन से वापस लौटी छात्रा से वहां के हालातों के बारे में जानकारी हासिल की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को आज सातवां दिन है और हल अभी दूर से दूर तक नजर नहीं आ रहा। हर तरफ तबाही का मंजर और चीख पुकार के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो अभी भी उत्तराखंड के हजारों की तादाद में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए छात्र वहां फंसे हैं और मदद के साथ सुरक्षा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सभी छात्रों के सुरक्षित वापस लौटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को अपने प्रयासों में और तेजी दिखानी होगी ताकि जल्द से जल्द छात्र अपने वतन सुरक्षित लौट सकें। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। यकीनन अब जिस तरीके से हालात यूक्रेन में दिखने को मिल रहे हैं वो बेचैनियों के साथ दहशतगर्द वाले हैं। हम आपको कई तस्वीरें दिखा चुके हैं और अब एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें तीन शिक्षक अपनी बच्चों की वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। दिन ब दिन रूस और यूक्रेन के बीच विवाद और चल रहे युद्ध से हालात अब गंभीर हो गए हैं। गोलाबारी और धड़ाधड़ चल रही गोलियों के बीच लोगों की सांसें थमी हैं और जिंदगी खोने के डर के बीच एक एक पल वहां फंसे उत्तराखंड के छात्र दिन गुजारने को मजबूर हैं। छात्र वतन वापसी तो कर रहे हैं मगर यूक्रेन में अभी भी यहां से पढ़ाई के लिए गए छात्रों की मौजूदगी परिजनों को डरा रही है। देहरादून की तीन शिक्षिकाओं ने एक वीडियो जारी कर अपने बच्चों की सलामती के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है और उम्मीद है कि जल्द ही उनके अपने अपनों के पास सुरक्षित लौट कर आ जाएंगे। इस वीडियो में तीनों शिक्षिकाओं ने सिर्फ प्रधानमंत्री से अपील ही नहीं की बल्कि वीडियो में यूक्रेन में हो रहे हालातों का जिक्र भी किया। हमारे तीनों के बच्चे इस समय यूक्रेन में हैं, निविस्ट, और मेरा बेटा लिविव में है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, सेकेंड ईयर में है। ये अंजू सिंह मैम है, इनकी बेटी खारकीव में है और मेडिकल थर्ड ईयर में है, और ये मैडम है प्रीति पोखरियाल, तो इनकी बेटी भी लिविव में है और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। तो अभी के जो हालात हैं, आज हम लोग बहुत डरे हुए हैं और हमारे बच्चों की वापसी, मेरे बच्चा और मेरा और प्रीति मैम का बच्चा, हम दोनों के बच्चे 27 को आ रहे हैं और मैडम की बेटी का 26 को इनका रिजर्वेशन फ्लाइट का टिकट है वापसी का। लेकिन अभी के जो आज के ताज़ा हालात हैं उसमें ये है कि हमारे बच्चे वहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि फ़्लाइट वहाँ पर रद्द हो गई, मतलब बंद हो गई है, फ़्लाइट वेयर पूरा बंद हो चुका है और बच्चे जो आज मेरे बच्चे के हॉस्टल से निकले थे इंडिया आने के लिए, वो लोग रास्ते में ट्रेन में अटक चुके हैं और ट्रेनें भी बंद हो चुकी हैं और हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि लगातार हम लोग टीवी देख रहे हैं और पूरी तरह से यूक्रेन में हर तरफ से बमबारी चालू हो चुकी है, रशिया ने अटैक कर दिया है। हम तीनों का प्रधानमंत्री महोदय जी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे इंडिया के वहाँ फंसे हुए हैं, हम लोग स्पेशली देहरादून से हैं, हम लोग उत्तराखंड से, तो हमारे उत्तराखंड के भी 30-40 बच्चे पूरे यूक्रेन में हैं, जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को सकू से वापसी, और वहाँ पर हमारे बच्चे अगर अटके हुए हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, प्लीज़ उनकी वहाँ पर किसी तरह उन बच्चों को सेफ रखें। मैम आप कुछ बोलना चाहते हैं?
मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे बच्चों की सकुशल वापसी का इंतजाम करें और थोड़ा वहाँ पे उनकी जो भी परेशानियाँ हैं उनको दूर करें। मेरा भी प्रधानमंत्री जी से सविनय निवेदन है, कृपया हमारे बच्चों की सकुशल वापसी को सुनिश्चित किया जाए और जिससे कि हम हमारी चिंता दूर हो। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद से छिड़ा युद्ध अब गंभीर मोड़ लेता दिख रहा है। दिन ब दिन हमले और तेज हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन में अभी भी हजारों की संख्या में फंसे उत्तराखंड के छात्रों के परिजन परेशान हैं और सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को सुरक्षित लाया जाए। टाइम टीवी के लिए देहरादून से स्पेशल रिपोर्ट। वहीं हजारों की तादाद में फंसे छात्र वतन वापसी कर रहे हैं तो कई छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए अब प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। देहरादून में एनएसयूआई छात्र संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन में फंसे सभी नागरिकों को जल्द वापस सुरक्षित लाने की मांग की है। एनएसयूआई ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार पहले से जाग जाती तो आज ये हालात न होते। यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए गए हुए थे और सरकार उन छात्रों को, जबकि जो हमारा विदेश मंत्रालय और एम्बेसी है उसने समय पे सूचना देने के बाद भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज हजारों की संख्या में छात्र बॉर्डर पे फंसे हुए हैं और सरकार के द्वारा अभी पर्याप्त मात्रा में जो है उनको लाने के लिए हवाई जहाजों की व्यवस्था नहीं की गई है। और कल ही भारत कर्नाटक का एक छात्र वहाँ हमले में मारा भी गया है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी छात्र बॉर्डर पर पहुँचे हैं उन्हें जल्द से जल्द वतन वापसी उनकी की जाए और जितने भी संसाधन वहाँ पर अपर्याप्त पड़ रहे हैं उनकी पूर्ति की जाए और छात्रों को हर संभव स्थिति में भारत लाया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में कई भारतीय रोमानिया बॉर्डर पर सरकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं। मदद मिलने के बाद एयरलिफ्ट के जरिए स्वदेश भी लौट रहे हैं। रोमानिया बॉर्डर पर 6 दिन से फंसे रुड़की के कुर्बान अली बुधवार घर पहुंचे। कुर्बान के घर पहुंचने पर परिवार ने राहत की सांस ली। हम वहाँ से 24 तारीख में पता चला था कि यूक्रेन पे हमला हो गया, तो वहाँ पे उस दिन से ही हम कोशिश थी कि जल्द से जल्द यहाँ से निकला जाए। तो 24 में हमसे निकला नहीं गया, 25 में हम रोमानिया बॉर्डर पे पहुंच गए थे। तो रोमानिया बॉर्डर पे हमको 2 रात और 1 दिन लगा। तो वहाँ से निकलने के बाद तो ऐसा हो गया कि हम बच गए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर का माहौल था पीछे, लेकिन उसके बाद तो सब सेफ फील कर रहे थे वहाँ पे आने के बाद। फिर हम 1-2 दिन वहाँ पे शेल्टर में भी रुके, उसके बाद हमको एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया गया। हम बहुत खुश हैं, सब परिवार के लोग भी खुश हैं, गाँव बस्ती के सब भी। बस थोड़ा दुख यही है कि जो वहाँ फंसे हुए भारतीय हैं, सरकार को चाहिए कि बहुत जल्दी जल्दी उनको निकालने की कोशिश। मतगणना के शुरू हुए काउंटिंग के साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में चुनावी नतीजों को लेकर सियासी दल सरकार बनाने के गणित में जुटे नजर आ रहे हैं। 10 मार्च को आने वाले चुनावी परिणामों को लेकर भाजपा की सक्रियता से कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर है, तो निर्दलीय और दूसरे दलों की नब्ज भी टटोली जा रही है। एक रिपोर्ट। 10 मार्च को उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनावी नतीजों को लेकर काउंटडाउन का दौर शुरू हो गया है, तो राजनीतिक दल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सियासी गणित में जुट गए हैं। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के गठन के लिए 14 फरवरी को वोटिंग के बाद उम्मीदवारों का फैसला ईवीएम में कैद है और 10 मार्च को पिटारा खुलने पर पता चलेगा कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। सियासी दलों ने मतगणना से पहले प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सियासी गुणाभाग शुरू कर दिया है। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा की सक्रियता देख अब कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी दिल्ली में आज केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। भाजपा की सक्रियता देख अब कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस दिग्गज नेता 42 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदरखाने कांग्रेस में भी सांसें थमी है। 36 का बहुमत का आंकड़े के आसपास की स्थिति में पार्टी को निर्दलीय और अन्य दलों के नेताओं की भी जरूरत होगी। मार्च के पहले हफ्ते में मौसम में बदलाव के साथ सियासी गलियारों में भी माहौल गर्म होने लगा है। 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजों से पहले सियासी गुणाभाग में जुटे राजनीतिक दल और उम्मीदवार के दिलों की धड़कनें भी तेज होने लगी हैं। तो लोगों के बीच भी 5वीं विधानसभा के लिए सरकार किसकी बनेगी, इन बातों की चर्चाएं जारी हैं। ऐसे में तेजी से करीब आ रहे काउंटिंग के दिन को लेकर बेचैनियां भी बढ़ने लगी है और ऐसे में कौन सत्ता से दूर रहता है और कौन जीत का सहरा पहनेगा, इसके लिए अब बस चंद दिनों का इंतजार बाकी है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगनान ने केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में वाइस चांसलर अनुपूर्णा नौछियाल के गलत तरीके से नियुक्ति का मामला उठाया है। रविंद्र जुगनान का कहना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में वाइस चांसलर के पद पर नियमों की अनदेखी करते हुए नियुक्ति की गई है, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया है। देखिए, हमने तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय है, वहाँ वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के जो प्रावधान हैं, मानक हैं, उसके विपरीत हो गया है और यूजीसी गाइडलाइंस के भी विपरीत हुआ। तो हमने गत वर्ष जो है उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अभी ये मामला सुनवाई में है और निश्चित रूप में हमको विश्वास है कि हाईकोर्ट गुण दोष के आधार पर इसमें शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस दौरान यशपाल आर्य के बेटे और नैनीताल से कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य भी मौजूद रहे। चुनावी नतीजों से पहले इस मुलाकात को राजनीतिक मायनों से काफी कुछ खास माना जा रहा है। हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही हरीश रावत ने पोस्टर बैलेट पर भी सवाल उठाए। मैं तो एक बात नहीं समझ पाया कि 56 लाल कुआ में पुलिस के लोगों के पास बैलेट क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, और सब जगह जिन पुलिस लाइनों में और जगहों के बैलेट पहुंच गए लेकिन 56 लाल कुआ के बैलेट नहीं पहुंचे। तो ये स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है, और पहले ये स्थिति खटीमा के विषय में भी थी। खटीमा में कुछ हल्ला गुला मचा तो चंपावत से दूसरी जगह से बैलेट लाए गए हैं, लेकिन यहाँ उन बैलेटों को जो है आर ओ तक पहुँचाने के लिए कोई प्रयास नहीं। माननीय हरीश रावत जी अपने घर पर आए हैं, ये उन्हीं का घर भी है और मेरे अग्रज हैं, सीनियर लीडर हैं। उनका आना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, उनका स्वागत भी है। और निश्चित रूप से हम राजनीतिक लोग हैं तो चर्चा भी होती, परिचर्चा भी होती है, संभावनाएँ भी होती हैं और उत्तराखंड की क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं और चुनाव में हमारी क्या स्थिति है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी में भारत सरकार साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में गुरुकुल कांगड़ी के साथ ही अन्य जगह से आए शिक्षकों ने भी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग का उद्देश्य छात्र छात्राओं के भविष्य को नए आयाम पर पहुँचाना था। जितनी भी संस्था काम कर रही है अलग अलग विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में, उनके कोऑर्डिनेटर्स का आज यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है। ये जवान के साथ हुआ, ये गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय इस बात के लिए प्रतिष्ठित है कि यहाँ भारतीय संस्कारों के साथ, उन परंपराओं के साथ। मुझे लगता है जितने भी यहाँ पर शिक्षक हैं जो ट्रेनिंग लेने आए हैं, उस सभी ट्रेनर्स यहाँ से एक आहुति डालने के साथ यहाँ से जाएंगे, ताकि जिन विद्यार्थियों को वो राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएंगे, उनको उन संस्कारों के साथ, उन संस्कृति के साथ, उन विधाओं के साथ सब बातें बताएं जो हमारे समाज को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाती है। उत्तराखंड में मार्च का महीना शुरू हो गया है और मौसम के लिहाज से काफी बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। गर्मियों में पहाड़ के धधकते जंगलों की आग एक बड़ी चिंता बनकर सामने आती है, लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए शंका आशंका के बादल छाए रहते हैं। पिछले 10 सालों में जंगलों में लगी आग की घटनाओं पर आधारित ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बदलते वक्त के साथ अब उत्तराखंड में मौसम में भी बदलाव साफ नजर आने लगा है। करीब आते गर्मियों के मौसम के मद्देनजर जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को लेकर आशंकाएं भी बढ़ने लगी हैं। लिहाजा पहले ही वन विभाग के माथे पर चिंताएं की लकीरें साफ दिखने लगी हैं। ये लाजमी इसलिए भी है कि साल दर साल उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए विभागीय इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। पिछले 10 सालों के दौरान जंगलों में वनाग्नि की घटनाओं के आंकड़ों की तस्वीर देखी जाए तो कुल 2094 वन बीट में से 1360 संवेदनशील श्रेणी में हैं। इनमें से 115 अति संवेदनशील, 972 मध्यम संवेदनशील और 273 संवेदनशील है।
हालांकि विभागीय तौर पर साल दर साल जंगलों में लगने वाली घटनाओं पर काबू पाने के दावे तो खूब होते हैं, लेकिन इन दावों में धरातल पर कोई दम नहीं दिखता। मगर इस बार विभागीय अधिकारी इस बात का भरोसा दिलाते दिख रहे हैं कि पिछले सालों में जंगलों में लगी आग की घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार विभाग ने जंगल की आग को देखते हुए बीट स्तर के हालातों का अध्ययन किया है। अब बस देखना यह है कि इस अध्ययन के आधार पर इस बार वनाग्नि से निपटने के दावों पर विभागीय अधिकारी कितने खरे उतरते हैं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पहाड़ों में मौसम अभी भले थोड़ा सर्द हो, लेकिन जंगलों में आग लगने के लिहाज से मौसम पूरा बदल चुका है। गर्मी की दस्तक के साथ ही जंगलों में बेकाबू आग से बेशकीमती वन संपदा खाक होने के साथ ही हाथी बाघ सहित वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। लेकिन इस बार प्रशासन पहले ही अलर्ट दिख रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं गर्मियों की दस्तक से प्रशासन की भी चिंता बढ़ने लगी है। और उस चिंता की वजह गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पर धधकते जंगलों की आग है। लिहाजा जंगलों को आग से बचाने के लिए अब प्रशासन पहले से ही अलर्ट दिखाई दे रहा है। वन अग्नि पर काबू पाने के लिए वेस्टर्न सर्किल का मास्टर कंट्रोल रूम तराई पूर्वी वन प्रभाग के कार्यालय में बनाया गया है। खास बात यह है कि पश्चिमी वृत्त के 5 वन प्रभागों के मास्टर कंट्रोल रूम को आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। मास्टर कंट्रोल रूम में 24 घंटे वन अधिकारी और कर्मचारियों की पैनी नजर रहेगी। जंगल में आग लगने की सूचना कहीं से भी आए, उसको तुरंत ही वन प्रभाग की क्रू स्टेशन प्रभारी और रेंज कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा। लाइव अलर्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं एंड विद इन 2 मिनट्स जो है, अगर कहीं भी आग लगती है तो 2 मिनट्स के अंदर जो है लाइव अलर्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से हम जो है डायरेक्ट जो वेबसाइट है भुवन पोर्टल है उससे नज़र रखते हैं, और उसमें उसकी एक अच्छी बात यह है कि वह हमें कंपार्टमेंट लेवल और विलेज लेवल तक किस विलेज के सामने जो है आग लगी है, साथ में आग लगी है और किस कंपार्टमेंट में आग लगी है उसका पता चल जाता है। तो कंट्रोल रूम में जो ही उसका पता चल जाता है तो हम जो है फोन वायरलेस के माध्यम से जो है कंसर्न्ड जो प्रभारी होता है कंट्रोल रूम का, क्रू स्टेशन का प्रभारी होता है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। इस बार सर्दियों के बाद तापमान अचानक से बढ़ चुका है, लिहाजा आग लगने की घटनाओं में तेजी भी आ सकती है, जिसे देखते हुए वन विभाग ग्रामीणों के साथ भी सहभागिता निभाने के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा वन पंचायतों की भागीदारी भी तय की जा रही है। वन अग्नि से उत्तराखंड के जंगलों को हमेशा भारी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाता है। हर साल हजारों हेक्टेयर वन और वन्य जीव आग की चपेट में आ जाते हैं। दावानल की रोकथाम को लेकर हर साल सरकार प्रशासन लाख दावे करती है, लेकिन धरातल पर वो दावे फेल साबित हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि मास्टर कंट्रोल रूम से इस बार जंगलों में लगने वाली आग पर किस तरह से काबू पाया जाता है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। यूक्रेन से लौटे उत्तराखंडियों को निशुल्क घर पहुंचाएगी सरकार। उत्तराखंड के 40 छात्र अपने घर सुरक्षित वापस लौटे, कई परिजनों को अभी भी सता रही चिंता। चुनावी नतीजे आने से पहले सरकार बनाने के सियासी गणित में जुटे भाजपा और कांग्रेस। भाजपा की सक्रियता देख कांग्रेस भी अलर्ट, निर्दलियों की भी टटोली जा रही नब्ज। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, देहरादून समेत कई इलाकों में सुबह से छाए बादल, कई जगहों पर बारिश के भी आसार।